दोस्तों, स्वागत है आप सबका मनवास किचन में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और रेसिपी जो कि है समोसे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं समोसे जो कि है बिल्कुल एकदम बाजार जैसे और एकदम खस्ता। ये देखिए, है ना एकदम खस्ता समोसा। देखिए अंदर से भी देखिए कितना बढ़िया समोसा है, ये एकदम बाजार में मिलने वाले समोसे जैसे। दोस्तों इससे पहले भी आपने बहुत बार समोसे बनाए होंगे, लेकिन समोसे में कुछ दिक्कतें ऐसी होती है जिससे कि उसका बाहर का कवरिंग अच्छा नहीं बनता है, समोसे सॉफ्ट हो जाते हैं, खस्ता नहीं बन पाते हैं और कभी कभी आपके समोसे तेल पी लेते हैं। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड सीक्रेट जिसकी वजह से आपके जो समोसे हैं वो बिल्कुल हलवाइयों जैसे खस्ता बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समोसे बनाना। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है मैदा। मैंने यहाँ पे 2.5 कटोरी मैदा का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये वो कटोरी है जिससे मैंने नाप लिया है। ये कटोरी पूरा भरकर मैंने 2 कटोरी लिया था और इसका आधा कटोरी मैंने और लिया है, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 2.5 कटोरी मैदे का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप चाहे तो मैदा छान भी सकते हो। साथ ही अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/2 चम्मच नमक। इससे ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं अजवाइन। अजवाइन को आप हाथ पे अच्छे से मसल के फिर आप इसमें डालिए तो उसका जो स्वाद है वो और भी बढ़िया आता है। ठीक है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ तेल जो कि है 1/2 कटोरी। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो तेल है वो मैंने यहाँ पे गुनगुना लिया हुआ है। ये गुनगुना तेल है, थोड़ा हल्का गर्म तेल है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने यहाँ पे गुनगुने तेल का इस्तेमाल किया है। अब बस हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर ये करने वाली हूँ कि जो समोसे की बाहर की जो कवरिंग होती है उसे खस्ता बनाने के लिए ये सामग्री तो आपको डालनी ही है, लेकिन साथ ही इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप किस तरह उसका आटा गूंथते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप सारी चीज़ें मिला लेंगे तो आपका जो आटे का टेक्सचर है वो इस हिसाब से होना चाहिए। ये देखिए, ऐसे इसका क्रम्बल हो जाना चाहिए, बॉल जैसा आपके हाथ में बन जाना चाहिए, तब उसके बाद ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपको पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है। यहाँ मैंने 1 कटोरी पानी तो लिया है, लेकिन मैं सारा पानी उसमें नहीं इस्तेमाल करने वाली। मैं यहाँ पे कम से कम पानी का इस्तेमाल करने का। दोस्तों यहाँ पर हमें बिल्कुल सख्त आटा यहाँ पे लगाना है, इसी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और कम से कम पानी में हमें सख्त आटा लगाना है। अगर आपको आपके समोसे खस्ता बनाने हैं तो आपका जो आटा है वो सही में बहुत सख्त होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नरम नहीं है, बहुत ही सख्त आटा मैंने यहाँ पे लगाया है। इससे आपको बेलने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर जाएगी, लेकिन आपके जो समोसे हैं वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। जो आपका समोसे का आउटर कवरिंग है उसमें आपको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, जिससे कि हमारा आटा है वो ज़्यादा सूखा ना हो। ये देखिए, इस हिसाब से आप तेल डालिए और थोड़ा थोड़ा इसे हल्के हाथ से गूंथ लीजिएगा। ये देखिए इस हिसाब से। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा आटा कैसे है। ये देखिए, मैंने इसे तेल लगा लिया अच्छे से, वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ही चम्मच लगाना है और ये अभी भी अच्छे से सख्त ही है। अब इसे हमें छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने पूरी कटोरी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था आटा गूंथने के लिए। 3/4 कटोरी का ही हमें पानी लगा है, 1/4 पानी हमने बचा लिया है। ठीक है, अब हम इसे ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। तब तक हम हमारा मसाला बना लेंगे। समोसे की फीलिंग यानी कि मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है आलू। मैंने यहाँ तकरीबन 5 आलू का इस्तेमाल किया है, ये मीडियम साइज़ है। इसे मैंने नमक डालकर उबाल लिया है और बस हमें इसे हाथों से मैश कर देना है इसी तरह। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों कि जब भी आप आलू को उबालें तो उसके बाद उसे तुरंत इस्तेमाल ना करें सब्जी बनाने के लिए। उबालने के बाद आप कम से कम आलू को 1 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें, वरना आपके जो मसाला है वो गीला बन जाएगा और आपके समोसे जो है वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे। ठीक है, तो तैयार है हमारे आलू, हम बना लेते हैं हमारी फिलिंग। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच तेल और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और साथ ही 1 कटी हुई हरी मिर्च। ठीक है, और साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं कुछ कड़ी पत्ते की पत्ती, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको कड़ी पत्ता पसंद हो तो ही डालिएगा। और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ
ये है प्याज, लेकिन मैं पूरे प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ आधी प्याज का इस्तेमाल किया है, यानी कि आधा बारीक कटा हुआ प्याज। ठीक है, अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है, और जैसे ही हमारा प्याज पक जाएगा हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। यहाँ मैं डाली हूँ आधा चम्मच नमक। दोस्तों इस स्टेज पे अगर आपके पास घर पर मटर अवेलेबल हो तो आप हरे मटर इसमें डाल सकते हो, यानी कि ग्रीन पीस। अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। ठीक है, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों पंजाबी समोसे की फिलिंग हम बना रहे हैं, इसलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही हूँ। अगर आपको हल्दी पसंद हो तो आप इसमें डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है वरना मेरी जो मसाला है उसका कलर बदल जाएगा। ठीक है, अब ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी मेरे आलू। और देखिए दोस्तों मेरे आलू जो है वो बिल्कुल सूखे सूखे से है, बिल्कुल भी गीले या उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। इसी तरह के आपके आलू होने चाहिए, वरना आपकी जो सब्जी है यानी जो आपका मसाला फीलिंग है वो गीला बन जाएगा और आपके समोसे नरम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरह से बनाना है। सारे मसाले हमने अच्छे से मिला लिए हैं, देखिए। और अब पंजाबी समोसे की खासियत जो होती है यानी कि खटास, जिसके लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ एक चम्मच आमचूर पाउडर। ठीक है, अगर आपको खटास पसंद नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने इस स्टेप को स्किप कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन पंजाबी समोसे में थोड़ी जो खटास होती है इसलिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और आखिर में हम इसमें डालने वाले हैं हरा कटा हुआ धनिया। यह मैं अच्छा खासा हरा कटा हुआ धनिया इसमें डाल रही हूँ, या आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे अभी भी मेरी जो गैस है वो चल रही है, मैंने चम्मच से सारा मसाला निकाल लिया है, देखिए इस हिसाब से। अब मैं दूसरे चम्मच का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। मेरी जो फ्लेम है वो अभी भी धीमी है, यानी कि लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ, देखिए, क्योंकि मेरे आलू जो है ऑलरेडी पके हुए। ये देखिए दोस्तों इसका टेक्सचर, मैं आपको मसाले का टेक्सचर दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल भी सूखा सूखा है, बिल्कुल भी ज़्यादा चिपचिपी या ऑयली हमारी सब्जी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपके समोसे नरम पड़ जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सब्जी है वो अच्छे से सूखी हुई हो, बिल्कुल भी उसमें गीलापन ना हो। ये देखिए जो हमारी मसाला है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, वरना आपने ये स्किप किए तो भी चलेंगे। मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। लीजिए दोस्तों तैयार है हमारी फिलिंग, हम इसे साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और अब हम देखते हैं हमारा आउटर कवरिंग का जो हमने आटा गूंदा था वो 15 से 20 मिनट उसे गूंद के हो चुके हैं। ये देखिए मेरा आटा अभी भी ज़्यादा नरम नहीं पड़ा है, बस थोड़ा सा नरम हो चुका है, जिसे हमें इसे बेल पाएंगे। ये देखिए दोस्तों तैयार है हमारा आटा, अब हम इसके बना लेंगे लोइयां। हमें इसके बॉल साइज यानी कि बड़े बड़ी लोई बनानी है, छोटी नहीं बनानी है, ताकि जो हमारे समोसे हैं वो अच्छे खासे बड़े समोसे बनेंगे। ये देखिए इस हिसाब से एक बड़ी बॉल साइज का हमें लोई बनाना है, इस हिसाब से। ये देखिए ये है परफेक्ट साइज, और इसे हम अभी बेल लेंगे। बेलने के लिए आपको बिल्कुल भी मैदे की इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, और तेल का इस्तेमाल करके आप इसे थोड़ा सा बेल लीजिए। सूखे आटे का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, आटा या मैदा किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल मत करिए इसे बेलने के लिए। और इसे अब मैं बेल रही हूँ ओवल शेप में, ठीक है, इसे हमें लंबा लंबा बेल लेना है, ये इस हिसाब से। और ध्यान रखिए इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे हम पराठा बेलते हैं उस थिकनेस का हमें इसे बेलना है। ये देखिए मैं आपको बाद में इसकी थिकनेस दिखा दूंगी, ये देखिए इस हिसाब से हमें इसे लंबा लंबा बेलना है अच्छे से। ये देखिए ये मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये इसकी जाड़ी कितनी है। ये देखिए इसकी थिकनेस, ये इसकी परफेक्ट थिकनेस है, इससे ज़्यादा पतला ये नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो समोसा है वो खस्ता नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दी, और अब इस जो हमने बेला है इससे दो समोसे बनेंगे। इसके लिए हम इसे बीच से काट लेंगे, ये देखिए एक चाकू की मदद से आपको इसे बीच से दो हिस्सों में काट लेना है। ये देखिए दो इक्वल पार्ट्स में आप इसे कट कर लीजिए इस हिसाब से,
ये देखिए, इससे आपके दो समोसे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इसे कहते हैं समोसे की पट्टी। ये हमने समोसे की पट्टी तैयार कर ली है। देखिए, ये हमारे दो समोसे की पट्टी रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी के भी पट्टियाँ बेल लेंगे और समोसे की सारी पट्टियाँ हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे इसकी फिलिंग। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए आप लीजिए एक समोसे की पट्टी और उसके किनारों को आप लगा लीजिए हल्के हाथों से पानी। ये मैंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके इसके किनारों पे मैंने पानी लगा लिया है। और ये देखिए, इस हिसाब से हमें इसका कोन बनाना है। दो हिस्सों को हमें जॉइन करना है, दो कॉर्नर्स को, और इसका कोन बनाना है और इस पट्टी को अच्छे से चिपकाना है। और फिर जैसे आप आइसक्रीम का कोन पकड़ते हैं, उस हिसाब से आप अंगूठे के बीच में, अंगूठे और पहली उंगली के बीच में आप इसे पकड़िए, तो इसमें कोन बन जाएगा और उसमें जगह बन जाएगी और उसमें आप भरिए हमारी फीलिंग और हाथ की मदद से उसे अच्छे से आप उसमें डाल दीजिए और उसे प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको करना है एक पिंच, और इस तरह आप पिंच करने के बाद आप पहले बीच वाला हिस्सा जोड़ लीजिए और फिर आप कॉर्नर्स तक उसे चिपकाते हुए जाइए। ये देखिए, इस हिसाब से हमारा समोसा हो चुका है पैक। तो अगर आपको लगता है इस तरह समोसा बिल्कुल पैक हो चुका है तो आप बहुत ही गलत हो। इसके बाद बहुत ही ज़रूरी काम हमें करना है, वो है इसके जो कॉर्नर्स है वो हमें अच्छे से हमें उसे सिक्योर करना है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरह से दबा दबा के फैलाना है। ये देखिए, वरना आपका जो समोसा है वो तेल में खुल जाएगा। देखिए, इसका ऊपर का कॉर्नर है उसे भी हम अच्छे से नोकीला कर लेंगे। जो समोसे की फिलिंग है उसे भी हम हल्का हल्का दबा लेंगे, क्योंकि जब हम तेल में इस समोसे को डालेंगे तलने के लिए तो समोसा थोड़ा सा फूल जाता है। इसलिए आपकी जो सब्जी है उसे भी आप थोड़ा सा फैला लीजिए हल्के हाथ से दबाकर, और इस तरह से आपका जो समोसा है वो नीचे रखने के बाद खड़ा होना चाहिए। अगर आपका समोसा खड़ा होता है तभी आपका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बराबर है। ये देखिए, इस हिसाब से जिसके लिए आपका जो नीचे वाला पोर्शन है उसे आपको अच्छे से दबा दबा के फैला लेना है। इस तरह हम हमारा सारा समोसा जो है फिलिंग कर लेंगे, और अब रेडी करेंगे हम इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे एक और ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप समोसे तलने के लिए डालेंगे तो आपका जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो मीडियम हॉट होना चाहिए, वरना आपका जो समोसा है उसका जो आउटर कवरिंग है वो जल जाएगी और अच्छे से पकेगी भी नहीं। तो आपका जो तेल है वो ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म हो, यानी कि मीडियम हॉट हो, तभी आप अपने समोसे उसमें डालिए। और आपको अभी तब तक उसे हाथ नहीं लगाना है जब तक ये खुद फूल के ऊपर नहीं आ जाते। और जैसे ही हमारे समोसे थोड़े से हल्के ऊपर आ जाएंगे, जब वो अपनी सतह छोड़ देंगे, तब हम हमारा गैस जो है वो लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सिर्फ लो फ्लेम पे अगर आप हमारे समोसे को पकाएंगे तो समोसे ज़्यादा तेल पी लेंगे, जिसकी वजह से बहुत लोगों के समोसे जो है वो ऑयली बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, शुरुआती में जो आपका गैस हो वो लो फ्लेम पे है और उसके बाद आप उसे मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और उसे आप तलिए, डीप फ्राई कीजिए कम से कम 5 से 7 मिनट तक। इस समोसे को पकने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं, और 5 से 7 मिनट बाद आप आपके समोसे जो है वो बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, मेरा समोसा हो चुका है रेडी। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है, कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। ऐसा ही कलर आते ही आप अपना समोसा जो है वो बाहर निकाल लीजिए, उसे ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, ठीक है। और एक बात यह है कि अगर आप कम तेल में समोसे तलोगे तो आपके जो समोसे हैं उन पे एक पिंपल जैसे आ जाएगी, एकदम ऐसे चिकने और खस्ता समोसे नहीं बन पाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह मैंने सारे समोसे तल लिए हैं, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा समोसा कैसे बना है। ये देखिए दोस्तों, है ना एकदम खस्ता समोसा। तोड़ते ही आपको समझ में आ चुका होगा कि मेरा समोसा कितना खस्ता बना है, और उसकी फीलिंग भी बहुत अच्छे से भरी हुई है। तो ट्राई कीजिए हमारी इस रेसिपी को। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का लाल बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।